हेलो स्टूडेंट, टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लेस्ट्रॉन। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोवेव्स क्या होती हैं एंड लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब को स्टडी किया था। आज हम माइक्रोवेव ट्यूब के क्लेस्ट्रॉन को स्टडी करेंगे। क्लेस्ट्रॉन इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज ट्यूब एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। क्लेस्ट्रॉन टू टाइप्स का होता है, टू कैविटी और मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। आज हम टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। इट इज़ यूज्ड एज अ लो पावर माइक्रोवेव एम्पलीफायर। यहाँ मैंने एक टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का डायग्राम ड्रॉ किया है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, कैविटीज एंड कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन गन के दो सेक्शन होते हैं, कैथोड एंड फोकसिंग इलेक्ट्रोड। कैथोड के थ्रू हम हाईली वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करते हैं, जिनको फोकसिंग इलेक्ट्रोड से फोकस किया जाता है। यहाँ टू कैविटीज़ होती हैं, इसीलिए इसका नाम है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। जो कैविटी हमारे कैथोड के नियर होती है उसे हम बंचर कैविटी कहते हैं, तथा आरएफ इनपुट जिसको हमें एम्पलीफाई करना है उसको हम कोएक्सियल लूप की सहायता से बंचर कैविटी को प्रोवाइड कराते हैं। इसमें गैप ए होता है, तथा सेकेंड कैविटी हमारी कैचर कैविटी कहलाती है, जो कि हमारे कलेक्टर के नियर होती है। कैचर कैविटी से हम जो इनपुट हमने एम्पलीफाई किया है उसको प्राप्त करते हैं। इन सभी पार्ट्स को हम एक वैक्यूम ट्यूब में इनक्लोज कर देते हैं। अब हम इसके पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गन। इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड फोकसिंग इलेक्ट्रोड, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था। द कैथोड एमिट इलेक्ट्रॉन बीम विच इज फोकस्ड बाय अ फोकसिंग इलेक्ट्रोड। सेकेंड पार्ट है बंचर एंड कैचर कैविटी। द कैविटी नियर द कैथोड इज नोन एज बंचर कैविटी एंड हैज अ गैप ए। The cavity near the collector is known as catcher cavity and has a gap B. The distance between the two cavity is called as drift space, जिसको हम L से represent करते हैं। Third part है हमारा collector. The collector collect the electron beam. Collector हमारा highly positive potential का part होता है। इन सभी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब में इनक्लोज कर देते हैं। अब हम इसके ऑपरेशन को स्टडी करेंगे। द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटेड इन द इलेक्ट्रॉन गन एंटर्स द इनपुट और बंचर कैविटी। इट मींस जो हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन बीम हैं जिसको हम कैथोड से जनरेट कर रहे हैं वो हमारी बंचर कैविटी में एंटर करती है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, जिस इनपुट सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है आरएफ सिग्नल को उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड, द आरएफ सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप ऑफ बंचर कैविटी। द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द बंचर ग्रिड आर एक्सीलरेटेड रिटार्डेड पास थ्रू विद अनचेंज वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड आरएफ फील्ड। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी बंचर ग्रिड से पास हो रही है और बंचर ग्रिड में ही हम क्या कर रहे हैं, आरएफ फील्ड को अप्लाइड कर रहे हैं, तो हमारे आरएफ फील्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सीलरेट हो जाएगा, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन हमारा रिटार्डेड हो जाएगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। द इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली बंच टुगेदर एज दे ट्रेवल डाउन द ड्रिफ्ट स्पेस। द वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन द ड्रिफ्ट स्पेस इज नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन अब जब हमारा ड्रिफ्ट स्पेस में आता है तब उनमें क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सीलरेट हुआ है, रिटार्डेड हुआ है और पास्ड हुआ है बिना किसी वेलोसिटी के चेंज किए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक हमारा क्या बनाएंगे, बंचेस। इसी तरीके से हमारे बंचेस प्लेस हो जाते हैं जब हमारा ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रेवल करती है इलेक्ट्रॉन बीम। इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन।
Finally, the electron emerges from the catcher cavity with reduced velocity and terminate at the collector. Finally, क्या होता है? Electron हमारे catcher cavity से out हो जाते हैं with reduced velocity. मतलब उनकी velocity कम हो जाती है और collector द्वारा उनको collect कर लिया जाता है. अब हम जो bunch बन रहा है उसके process को study करेंगे. इसे हम कहते हैं bunching process. Bunching process में तीन केसेस रहते हैं. जैसा कि मैंने अभी इस ऑपरेशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट होगा, रिटार्टेड होगा, पास्ट होगा. इन्हीं तीन केसेस से हमारा क्या होता है? बंच बनता है. इसको हम अब डीपली में स्टडी करेंगे. फर्स्ट हमारा होता है एन इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द बंचर कैविटी व्हेन द आरएफ वोल्टेज अक्रॉस द गैप इज ज़ीरो. दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. दिस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इज अनअफेक्टेड बाय द गैप. इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने उसको नाम दे दिया बी इलेक्ट्रॉन है, अब ये बंचर कैविटी में तब एंटर कर रहा है जब हमारा आरएफ वोल्टेज है वो ज़ीरो हो. इट मींस आरएफ वोल्टेज हमारा ज़ीरो लेवल पर है तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? अनचेंज रहेगी, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा. इसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन नाम दे देते हैं. सेकेंड, एन इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द बंचर कैविटी ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ वोल्टेज वी एस. दिस इलेक्ट्रॉन इज रिटार्डेड बाय नेगेटिव पोटेंशियल एंड बिकम्स स्लोअर देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बी. इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, इसका मतलब क्या, उसका पोटेंशियल नेगेटिव हो गया. और जब नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो वही चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी. और जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उससे क्या होगा, स्लोअर चलने लगेगा. थर्ड, इलेक्ट्रॉन सी दैट पासिस द ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज वी एस इज एक्सीलरेटेड. दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फास्टर देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बी. जो हमने जैसे इलेक्ट्रॉन को नाम दे रखे हैं ए बी और सी, तो इलेक्ट्रॉन सी जो होगा वो क्या रहेगा, जब हमारा वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेगा. इसी इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारा फास्टर चलने लगेगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से. यहाँ मैंने एक डायग्राम शो कर रखा है. ये हमारा वी एस वोल्टेज है जिसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं. वी एस इक्वल टू वी वन साइन ओमेगा टी. यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन बी, सबसे पहले जो हमने स्टडी किया था रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, वोल्टेज लेवल हमारा क्या है, ज़ीरो. तो ज़ीरो वोल्टेज लेवल को हमने क्या किया था, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है. जब हमारी वोल्टेज नेगेटिव हाफ है तब हमारा नेगेटिव हाफ पर इलेक्ट्रॉन था ए, तो नेगेटिव हाफ था तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, रिटार्डेड हो रहा था. मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होगी, नेगेटिव की वजह से कम हो जाएगी और ये क्या होगा, स्लोअर देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. थर्ड हमारा केस क्या था, जब हमारा वोल्टेज पॉजिटिव हाफ है, सी इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव हाफ है तो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो फास्टर देन हो जाएगा हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से. ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिलकर हमारा क्या रहता है, एक बंच प्रोवाइड कराते हैं. इसे हम बोलते हैं बंचिंग सेंटर. इस डायग्राम को हम कहते हैं एप्पल गेट डायग्राम. यहाँ हमने टाइम शो कर रखा है और यहाँ हमारी डिस्टेंस है. ड्यू टू द एवव एक्शन द इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली बंच टुगेदर एज दे ट्रेवल डाउन द ड्रिफ्ट स्पेस. दिस इज नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. जैसा मैंने अभी बताया था लास्ट पेज पर कि जब हमारे तीनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, एक बंच बनाते हैं, जो किस में बनाते हैं, ड्रिफ्ट स्पेस में. इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. थैंक यू.